चित्रकूट में शादी समारोह कार्यक्रम में उस वक्त हड़कंप मच गया जब विदाई के दिन दुल्हन अपने प्रेमी के साथ रफू चक्कर हो गई। इस वजह से दूल्हे को बिना दुल्हन लिए ही बारात लेकर बैरंग वापस लौटना पड़ा। ये सनसनीखेज मामला चित्रकूट के मऊ थाना क्षेत्र के मवई खुर्द गाँव का है, जहाँ शत्रुघ्न नाम के व्यक्ति ने अपनी बेटी रानी की शादी सुरोंधा गाँव के अजय नाम के लड़के के साथ तय की थी, जिसकी बारात 29 मई को गाजे बाजे के साथ गांव पहुंची। यही नहीं, बारात का न सिर्फ जोरदार स्वागत हुआ बल्कि दावत के साथ रात में ही शादी की कई रस्मों को भी अदा किया। लेकिन जब सुबह बारात विदा होने की बारी आई तो लड़की फ्रेश होने के बहाने अपने प्रेमी छुट्टन पटेल के साथ फरार हो गई। जब लड़की बहुत देर तक वापस नहीं आई तो पूरे शादी समारोह कार्यक्रम में हड़कंप मच गया। इसके बाद लड़की के परिजनों ने दुल्हन रानी की छोटी बहन की शादी करने के लिए लड़के के परिजनों के सामने प्रस्ताव रखा, जिस पर लड़के के परिजनों ने दुल्हन की छोटी बहन के नाबालिग होने का कारण मानकर मना कर दिया और बिना दुल्हन के अपनी बारात लेकर बैरंग वापस अपने गांव चले गए। क्या हुआ? हम बारात लेकर गए यहाँ से, फिर हमको पता चला कि वो लड़की हम कहाँ बारात लेके गए? मवई चित्रकूट थाना मऊ। तो मतलब आप बारात लेकर कब गए थे, कौन सी तारीख को? 29 तारीख को। तो क्या हुआ वहाँ पर? वहाँ पर गए तो बोले कि लड़की पता चला कि लड़की भाग गई। भाग गई? किसके साथ भाग गई? ओ पटेल के साथ भाग गई। क्या नाम है, नाम पता है? नाम हमको नहीं पता। अच्छा, पटेल के साथ वो भाग गई। तो आप लोग बारात वापस ले आए हैं? तो क्या है, आप क्या कहें? मतलब बारात आपकी वापस कर दिया गया, धूमधाम से आप पहुंचे थे लड़की के घर कि पहले बता दिया गया था? बारात लेकर आप पहुंच गए थे ना? बारात लेकर पहुंच गए थे द्वार चाल तक। अच्छा, द्वार चार हो गया था। हाँ, ओली भर। तो क्या क्या बताया गया? पता चला वो लड़की भाग गई। अच्छा, आपका क्या नाम है? अजय कुमार। कहाँ रहते हैं आप? कहाँ रहते हैं? सुरौंधा में। हालांकि इस दौरान दूल्हा पक्ष की नाराजगी साफ तौर पर झलक रही थी। बारात वापस घर पहुंचने के बाद दूल्हे के पिता ने मऊ थाने में लड़की के पिता के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं मऊ पुलिस ने दूल्हे के पिता की तरफ से तहरीर लेकर मामले की जांच कर कार्रवाई करने की बात कही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चित्रकूट से वीरेंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।